पटना साहिब गुरुद्वारा के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह हित और जथेदार रंजीत सिंह गोड़े ए मस्कीन को आने वाले समय में वाई श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। आज पटना जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर गुरुद्वारा का निरीक्षण किया। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने पटना साहिब गुरुद्वारा के जथेदार रंजीत सिंह से मिलकर वाई श्रेणी सुरक्षा संबंधित पूरी जानकारी दी। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और जथेदार को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज टाइम 24 की रिपोर्ट। से व्यवस्था होगी और आईएएस की आज प्रोसीडिंग बनेगी और जो जिला प्रशासन को आएगा कोऑर्डिनेट करके हम लोग उसको सुनिश्चित कराएंगे। और जो इनके स्तर से गुरुद्वारा के स्तर से है संसाधन के मामले में ये रिच है, ये भी अपने स्तर से व्यवस्था करेंगे। और ये प्राइवेट सिक्योरिटी अब इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इनका जो निजी है जो भी होगा सीआरपीएफ के जवान ही करेंगे। आज जो बैठक की गई है सर, किस बिंदु पर बैठक की गई और सभी कमरे की बिंदु यही है कि जो जथेदार साहब हैं उनके जो जिनको सिक्योरिटी हैजर्ड है उनकी सुरक्षा अचूक व्यवस्था कैसे हो उसके लिए है। ये चिन्हित किया गया कि थर्ड फ्लोर जो है इनके लिए सबसे सुरक्षित स्थल होगा रहने का, और उसमें भी है कमरे में भी इंटर कनेक्शन कराने का इन लोगों को निर्देश दिया गया है। और जो इनका जो है सिक्योरिटी जितने भी हैजर्ड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसको भी जहाँ जहाँ कमियाँ दिख रही है जहाँ से सुरक्षा को भेद किया जा सकता है उसकी भी उसको भी रोक उसकी भी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो भी लिए जा रहे हैं। इन दो लोगों को सुरक्षा मिली जो मुख्य जथेदार हैं और उसके वाइस प्रेसिडेंट जो भी हैं इस फ्लोर पे जो रहने वाले हैं उन्हीं के लिए। इस श्रेणी में कितने ड्यूटी पर लगे रहे ये तो आकलन करके ये लोग सीआरपीएफ वाले आज बनाएंगे और वो आकलन करेंगे कितने की जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से प्रदान दी गई है। ये प्रपोजल जा रहा है वाई प्लस सिक्योरिटी इनको मिलता है या नहीं इसके लिए अनुशंसा की जा रही है, उसी के लिए एक बैठक आज हुई है। होम मिनिस्ट्री से मांगा गया है तो वो हम लोग दे रहे हैं, होम मिनिस्ट्री एग्जामिन करेगी समीक्षा उपरांत जो उनका निर्णय होगा उसका अनुपालन। समीक्षा करने के बाद क्या लग रहा है सर कि यहाँ सुरक्षा की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल है, हम लोगों का दृष्टिकोण से तो लग रहा है। और जो होम मिनिस्ट्री देगा जो वाई प्लस सिक्योरिटी के जो प्रोविजंस हैं तो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना होगा। अपना परिचय दीजिए। मैं एडीएम लॉ ऑनर्ड पटना के सिंह।